74 ईयर्स के बाद पाकिस्तान यूएन के इजलास से बाहर हो गया है। वैसे हमें पाकिस्तान शुड हैव बीन इनवाइटेड दिस ब्रीफिंग। इंडिया हैज बीन इन आवर व्यू इन ब्रीच ऑफ इट्स ऑब्लिगेशन एज प्रेसिडेंट ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। वहां पर पाकिस्तान को मौके पेश करने की जगह नहीं मिल सकी। क्या आप समझते हैं कि अब भारत के पास सदारत आई है, इस वजह से ये नाकामी का सामना करना पड़ा है? थैंक यू जी। इसको तो कुछ लोग जो है ना वो डिप्लोमेटिक फेलियर कहते हैं, लेकिन मैं इससे इतफाक नहीं करता। मेरे ख्याल में ये डिप्लोमेटिक फेलियर नहीं है, बल्कि ये डिप्लोमेटिक डिजास्टर है, क्योंकि फेलियर की एक लिमिट होती है। और ये जो डिजास्टर हुआ है, ये पूरा रिफ्लेक्ट करता है पाकिस्तान की जो एक्सटर्नल अफेयर्स की नाकामी है। और तो दोस्तों, पाकिस्तान अपने पूरे इतिहास के अंदर ऐसा पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान यूएनएसए के इजलास यानी यूएनएसए के मीटिंग से बाहर रहा है। और ऐसा उस समय हुआ है जब इंडिया इसकी प्रेजिडेंसी कर रहा है यानी अध्यक्षता कर रहा है, और उस समय भी जब इंडिया इन्हें हिस्ट्री क्रिएट किया है यूएनएससी के अंदर कि कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर पहली बार यूएनएससी का प्रेसिडेंसी कर रहा है। तो ये जो सारे को देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया यह इल्ज़ाम लगा रही है कि इंडिया ने पाकिस्तान को यूएनएससी के मीटिंग से बाहर रखा, और उस मीटिंग से जिसमें कि अफगानिस्तान के इश्यू पर डिस्कस होना था, यानी अफगानिस्तान का जो मामला है जिसके ऊपर पाकिस्तान यह समझता है कि क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान का पड़ोसी देश है, इसलिए उसका अधिकार है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के हर इशू पे बात करे। लेकिन उस हिसाब से देखा जाए तो फिर तो अफगानिस्तान के और पड़ोसी देश हैं, वो भी उनका उतना ही अधिकार है जितना कि पाकिस्तान का है, लेकिन पाकिस्तान का तो इंटरेस्ट कुछ और है। अंदर यानी कि अंदर की सफाई कर लिया, अंदर की सफाई करने के बाद उन्होंने सोचा कि मैं कंट्री के बाहर भी कुछ सफाई कर दूं, तो इसलिए जो है वो इंटरनल के बाद एक्सटर्नल सफाई भी शुरू कर दी गई। और 74 इयर्स के बाद पाकिस्तान यूएन के इजलास से बाहर हो गया है। वैसे हमें इसकी कोई खास परवाह है भी नहीं अगर यूनाइटेड नेशन ने हमें अपने इजलास में नहीं बुलाया और हमें बाहर कर दिया, क्योंकि वैसे भी आप जानते हैं आजकल कोरोना जिस तेजी से फैल रहा है तो हमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है जी वहां जाने का। हाँ हाँ, मखई लोगों ने ऐसी फैला रखा है कि जी हमारी कोई बेइज्जती हो गई। हमारी कोई बेइज्जती नहीं होती, क्योंकि अब हमें आदत पड़ चुकी है। पहले ही आप जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक जबरदस्त, क्या कहना चाहिए, बहुत ज्यादा हद तक जो है बहुत स्ट्रांगली जो है वो हिस्ट्री अगर आप हमारी उठा के देखें, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि बदतरीन डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में पाकिस्तान चला गया है कि चाइना हमें मुंह नहीं लगा रहा, थोड़ी आंखें दिखा रहा है, भारत हमें नहीं पूछता, अफगानिस्तान हमें बुरा भला कह रहा है, अमेरिका हमसे नाराज है, फोन भी नहीं करता अमेरिका वाले, और यूरोपियंस और गल्फ स्टेट्स का भी यही हाल है, सऊदीज का भी यही हाल है कि वो बात नहीं करते और अपने पैसे भी वापस मांग लेते। चलो बात नहीं करनी मत करो, हम कौन सा मरे जा रहे हैं बात करने के लिए, लेकिन पैसे तो कम से कम वापस नहीं मांगने चाहिए ना। ये सऊदीज जो है ना, इनको तो बिल्कुल कोई ऊपर वाले का खौफ ही नहीं है, ऐसे तो बड़ी इस्लामिक कंट्री बनते हैं, लेकिन इन्होंने ये नहीं सोचा कि पैसे का क्या करना है, वापस थोड़ी मांगा जाता है इस तरह से, वो भी इस्लामिक कंट्री को देने के बाद। लेकिन हम सिक्योरिटी काउंसिल से आगाज करते हैं कि वहां पर पाकिस्तान को मौके पेश करने की जगह नहीं मिल सकी। क्या आप समझते हैं कि अब भारत के पास सदारत आई है, इस वजह से ये नाकामी का सामना करना पड़ा है, या आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान की हुकूमत की फॉरेन पॉलिसी की नाकामी है? थैंक यू जी। इसको तो कुछ लोग जो है ना वो डिप्लोमेटिक फेलियर कहते हैं, लेकिन मैं इससे इतफाक नहीं करता। मेरे ख्याल में ये डिप्लोमेटिक फेलियर नहीं है, बल्कि ये डिप्लोमेटिक डिजास्टर है, क्योंकि फेलियर की एक लिमिट होती है। और ये जो डिजास्टर हुआ है, ये पूरा रिफ्लेक्ट करता है पाकिस्तान की जो एक्सटर्नल अफेयर्स की नाकामी है। और पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स आजकल जो है वो रिलेटेड हैं इंडिया के साथ और अफगानिस्तान के साथ मोर क्लोजली, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ। तो ये चूंकि तीनों मुल्क इस वक्त रेलिवेंट हैं, और जो बैटल फील्ड है वो अफगानिस्तान है, और जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं वो तकरीबन यही चार जो हैं वो फोर फ्रंट पे हैं, लेकिन डेफिनेटली वहाँ पे ईरान है, रशिया है और चाइना है। लेकिन ये जो ज्यादातर जो है इस तरह की सिचुएशन हुई है, मैं समझता हूँ कि ये जो होता है ना, क्रॉस रोड पे आ गया है पाकिस्तान अपनी नाकाम पॉलिसियों की वजह से, जहाँ पे आके पाकिस्तान को ये तस्लीम करना चाहिए। आल दो के उन्होंने तस्लीम किया, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ना, इट वाज अ कन्फेशन,
ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी कि जिसमें उन्होंने कोई इंडिया पे इल्जाम लगा दिया कि उन्होंने हमें बाहर निकाल दिया या इनवाइट नहीं उन्हें दिया या अमेरिका पे या कुछ। ये जो है ना, इट वाज अ कन्फेशन ऑफ देयर फेलियर ऑन अफगान इशू। अब देखें, पाकिस्तान का जो शुरू दिन से, स्पेसिफिकली 1979 से, यानी अब ये पिछली सदी की बात लगती है, 20 साल पिछली सदी की और 20 साल इस सदी के हो गए, ये हर माज पे दावा रहा है कि अफगानिस्तान के हवाले से सबसे ज्यादा रेलिवेंट और सबसे ज्यादा इमीडिएट और सबसे ज्यादा कंसर्न पार्टी हम हैं। और उसकी जाहिर है डिफरेंट रीजंस हैं कि बॉर्डर मिलता है, इतना लंबा चौड़ा बॉर्डर है जो पहले पूरे तरीके से ओपन था, और फिर हमारे तारीखी और सकाफती रिश्ते हैं, और ये है कि अफगानी हमारे भाई हैं, तालिबान हमारे आतादी हैं, वगैरह वगैरह। ये सारी जो रीजंस देखे, तो पाकिस्तान ये साबित करता रहा है कि हमारा अफगानिस्तान के अंदर एक स्टेक भी है और हम जो है वहां पे हमारे आतादी भी हैं और वहां पे हम इन्फ्लुएंस भी एक्सरसाइज करते हैं, मतरूक हो चुके हैं। पाकिस्तान का वजारत खारजा जो डिप्लोमेटिक मैनुअल यूज करता है वो पूरी दुनिया में बंद होके गार्बेज में चले गए हैं। नोबडी यूज दोज मैनुअल्स एनीमोर। वजह ये थी कि पाकिस्तान ये समझ रहा था, और ये गलतफहमी थी जो मैं जिसकी तरफ मैं आ रहा हूँ, कि हम तालिबान को कंट्रोल कर सकते हैं, हम तालिबान को पे एक्सरसाइज करते हैं इन्फ्लुएंस, इसलिए हम वहां पे तालिबान की हुकूमत बना के उसको संभाल भी सकते। क्या था ये, आप देखें रूस में जितनी इनकी मीटिंग्स हुई या कतर में या दुबई में या जहां कहीं भी, उसमें मेन पर्पज ही ये था कि एक पीसफुल ट्रांजिशन का था। तो तालिबान को जब मौका मिल गया, अमरीकी निकलना शुरू हो गए, उन्होंने फिर अपना वही हरकत जो है वो शुरू कर दी। अब पाकिस्तान ने आके ये तस्लीम किया कि हमारा, और ये आपके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, इन्होंने अमेरिका में बैठ के ये बयान दिया कि तालिबान पे अब हमारा वो इन्फ्लुएंस नहीं रहा है। जब आपका तालिबान पे इन्फ्लुएंस नहीं रहा है, तो फिर आपको सिक्योरिटी काउंसिल की जो इजलास है उसमें किस हैसियत में बुलाया जाए? आप मुझे उसकी वन गुड रीजन दे दें। अगर आप कहते हैं कि हम उसके पड़ोसी मुल्क हैं, तो उसका पड़ोसी मुल्क तो फिर ईरान भी है, पड़ोसी मुल्क जो है वो चीन भी है, पड़ोसी मुल्क एक हवाले से इंडिया भी है। तो ये सारे जो इर्द गिर्द के मुल्क हैं, ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है वगैरह वगैरह है, रूस है, ये फिर उसका मतलब है फिर वही पूरी इलाकाई कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए? तो ये कोई इलाकाई कॉन्फ्रेंस का प्लेटफॉर्म तो नहीं था, ये सिक्योरिटी काउंसिल का था। और सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट जो मेंबरशिप है इंडिया की, और जो उसकी प्रेजिडेंशियलशिप है या चेयरमैनशिप है जो इस वक्त वो इंडिया के पास है, तो उन्होंने कहा जी कि ये इंडिया ने इस वजह से हमें जो है इस इजलास से बाहर निकाल दिया, हालांकि इस इजलास से बाहर निकलना इनएविटेबल था। इसकी एक वजह ये थी कि आपने खुद एक्सेप्ट किया कि हमारा कोई इन्फ्लुएंस तालिबान पे है ही नहीं, और दूसरा ये कि आपने अमेरिका के साथ भी इस तरह की डिप्लोमेसी की जिसका लाजमी नतीजा ये निकलना था।